इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी के गाजीपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यात्रियों से भरी बस में आग लग गई। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, तत्काल पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। बता दें कि इस हादसे में कई लोगों के मौत होने की भी खबर सामने आई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मरदा थाना क्षेत्र के बरही की घटना बताई जा रही है, जहां यात्रियों से भरी बस में आग लग गई। गाजीपुर से इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये साफ तस्वीरें आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ यात्रियों से भरी बस में आग लग गई है और इस हादसे में कई लोगों के मौत होने की खबर बताई जा रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है गाजीपुर से। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप गाजीपुर से देख रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ यात्रियों से भरी बस में आग लग गई है और हाई टेंशन तार गिरने से बस में आग लगी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बस में सवार कई लोगों की मौत होने की सूचना है। बता दें कि तत्काल प्रभाव से ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी के गाजीपुर से, जहां यात्रियों से भरी बस में आग लग गई। आपको बता दें इस हादसे में कई लोगों के मौत की होने की सूचना भी सामने आ रही है। तत्काल पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बस में भीषण आग लग गई है। गाजीपुर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, गाजीपुर में यात्रियों से भरी बस में ये भीषण आग लग गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस हादसे में कई लोगों के मौत की भी खबर सामने आ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं और बचाव कार्य करने में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। हाई टेंशन तार गिरने की वजह से बस में ये भीषण आग लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है गाजीपुर से, जहां पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यात्रियों से भरी बस में आग लग गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का तुरंत ही संज्ञान लिया है और अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं।